हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुलजीत कौर। आई एम लेक्चरर बायोलॉजी इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुराली, डिस्ट्रिक्ट एसएस नगर। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर 9, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट लिपिड्स बायो मॉलिक्यूल। टूडे वी विल स्टडी अबाउट बायो मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन्स, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू बायो मॉलिक्यूल्स। इन द प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स वी स्टडीड अबाउट लिपिड्स, और लिपिड्स जो हैं दे आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन टू द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑल्दो दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर नॉट पॉलीमर्स एंड देयर मॉलिकुलर वेट इज ऑल्सो अबाउट 800 डाल्टन्स, बट स्टिल हम उनको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन द एसिड इन सॉल्यूबल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी लार्ज बायो मॉलिक्यूल्स एंड देयर मॉलिकुलर वेट जो है दैट इज मोर देन 10,000 डाल्टन्स। सो ऐसा ही बायो मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन्स जो है आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दे आर बायो मॉलिक्यूल्स हैं हैविंग द मॉलिकुलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन्स। सो इसमें प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, देयर मॉलिकुलर वेट इज मोर देन 10,000 डाल्टन। नाउ स्टूडेंट, ये एवरेज कॉम्पोजिशन है सेल का, क्योंकि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो डिफरेंट हमारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, सो फोर टाइप के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर उनका हम डिफरेंट उनकी कॉम्पोजिशन देखते हैं, सो वाटर इज 70-90%, प्रोटीन्स आर 10-15%, एवरेज 12% रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर 3%, लिपिड्स ओनली 2%, न्यूक्लिक एसिड 5-7% एंड आयंस आर 1%। ओके, सो व्हाट आर प्रोटीन्स? स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स आर हेटरोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या है? वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं, एक चेन है। जैसे आप ये नीचे डायग्राम देखते हो तो यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो 14 अमाइनो एसिड हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं, और ये जो लिंक है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक हो जाते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। सो व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और हेटरोपॉलीमर्स हैं बिकॉज डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक हो रहे हैं एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड? आपका जो प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट्स वो किससे बने हैं? अमाइनो एसिड से बने हैं। सो लेट अस सी, दिस इज अमाइनो एसिड 1 एंड दिस इज अमाइनो एसिड 2। तो अमाइनो एसिड 1 और 2 में जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो आपका अमाइनो ग्रुप है, उन दोनों के बीच में डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लॉस हो जाती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो जस्ट सम बेसिक पॉइंट हैं अबाउट प्रोटीन्स। एक मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल बेसिस है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एवरी सेल इज ड्यू टू प्रोटीन्स, पॉलीमर है अल्फा अमाइनो एसिड का, 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड अकर करते हैं नेचर में, और ओनली 20 जो हैं वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन स्टूडेंट, 21st अमाइनो एसिड ऐड हुआ है, उसका नाम है सिलिनोसिस्टीन। सो यू मस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक स्पेशल स्लाइड लिया है, आपको पेप्टाइड फॉर्मेशन जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक हैं। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? CONH। वो कैसे बनेगा? बिटवीन द NH2 ऑफ वन अमाइनो एसिड, जैसे ये हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये हमारा दूसरा अमाइनो एसिड है। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका कौन सा ग्रुप है? NH2। और सेकेंड अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप है? COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। सो इन दोनों के बीच में डिहाइड्रेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर जैसे इन्होंने दो अमाइनो एसिड लिए तो ये जो बॉन्ड है इस चेन को हम डाईपेप्टाइड चेन कहते हैं। अगर इसमें स्टूडेंट एक और अमाइनो एसिड ऐड हो गया तो ट्राईपेप्टाइड चेन हो गया। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स ऐड होते रहते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। सो यू कैन सी दिस, हाउ द पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म बिटवीन द टू अमाइनो एसिड। सो दिस इज अ अमाइनो ग्रुप एंड दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड देर इज अ लॉस of water. Here you can see water molecule is removed and that result in the formation of peptide linkage. Next,
सो देर आर स्टूडेंट्स टू एग्जाम्पल्स ऑफ मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन्स, यू मस्ट नोट इट डाउन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट स्टूडेंट, मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन अगर एनिमल्स में देखते हैं तो दैट इज कॉलेजन, एंड मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फियर, ठीक है, सो दैट इज रूबिस्को बोलते हैं स्टूडेंट्स. रूबिस्को होता है राइब्यूलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट. सो दैट इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फियर. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक नाउ स्टूडेंट इट इज क्लियर टू यू वॉट इज अ प्रोटीन. दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड हाउ द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं, सो वी विल स्टडी देम वन बाय वन. फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड लास्ट वन इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. सो लेट्स डू देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सिंपल लीनियर अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड्स का. आप देख रहे हो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. ये जो है चेन का लेफ्ट साइड है और ये जो है चेन का राइट साइड है. लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट हमारा अमाइनो एसिड दिखता है वहाँ पे अमाइनो ग्रुप है और लास्ट में हमारा क्या है कार्बोक्सिल ग्रुप है. सो जो लेफ्ट एंड पे कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट अमाइनो एसिड आएगा और जो लास्ट है यहाँ पे हमारा लास्ट अमाइनो एसिड आएगा राइट हैंड साइड पे. सो जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट एंड होता है स्टूडेंट्स, उसको हम एंड टर्मिनल कहते हैं और जो राइट हैंड साइड होती है उसे हम कहते हैं सी टर्मिनल. ओके, आई विल राइट अगेन स्टूडेंट्स. जो हमारा लेफ्ट साइड है जहाँ पे अमाइनो ग्रुप है सो इसको हम बोलते हैं एंड टर्मिनल, ठीक है, और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं सी टर्मिनल जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर कौन सा है एंड टर्मिनल पे, दैट इज अमाइनो ग्रुप, ठीक है. सो हाउ द अमाइनो एसिड्स आर अरेंज, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है हर एक प्रोटीन्स में अरेंजमेंट जो है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या है और जो सीक्वेंस क्या है, अमाइनो एसिड किस तरह से अरेंज है, सो वो जो है वो प्रोटीन्स में डिफरेंट होगा. सो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट अमाइनो एसिड आएगा दैट इज एन टर्मिनल और राइट पे लास्ट अमाइनो एसिड आएगा दैट इज सी टर्मिनल. देन नेक्स्ट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है या जो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं. जब ये प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का या जो प्राइमरी चेन हमने देखा, जब ये फोल्ड हो जाती है, इसमें ट्विस्ट बन जाते हैं, जब ये कॉइल होती है तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है सो इसमें प्रोटीन थ्रेड जो हो गया फोल्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स. हेलिक्स क्या होता है, वो स्पाइरली कॉइल्ड हो जाते हैं अराउंड से एक्सिस, ठीक है. तो इसमें आपको दो तरह के प्रोटीन्स दिख रहे हैं, दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ऊपर वाला जो है स्टूडेंट्स इसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, दिस इज अल्फा हेलिक्स, और जो नीचे वाला है उसको हम बीटा और इसको हम प्लीट मॉडल या शीट मॉडल भी बोलते हैं. सो जो ऊपर जो हम अल्फा हेलिक्स देख रहे हैं तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि जो जो आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्पाइरली कॉइल हो जाती है, जिस तरह से आप इसको हम राइट हैंडेड आपको अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं. तो राइट हैंडेड इस तरह से जो चेन है वो कॉइलिंग शुरू जो है वो करती है लाइक दिस. सो ये जो कॉइल हो रहा है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन एक्वायर करेगा, तो इसको हम राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं. सो ये जो स्ट्रक्चर है किस तरह से बनता है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन सी ओ एंड एन एच टू ग्रुप. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स. सो देखो यहाँ पर क्या है, जो आपका ये जो एन एच है, ठीक है, ये आपका एन एच है और ये आपका सी ओ है. तो इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्मेशन हो रहा है. सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन सी ओ एंड एन एच टू ग्रुप. सो ये जो मॉडल है, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स मॉडल. सो मोस्टली जो इसका एग्जाम्पल जो है, जो कैरेटिन्स हैं हमारे उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो किस नेचर के हैं, अल्फा हेलिक्स मॉडल. सो सेकेंड आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो स्टूडेंट, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का और इसको हम बीटा प्लीटेड शीट मॉडल कहते हैं. प्लीट्स होती हैं जैसे हम
कोई भी जैसे कपड़ा है उसको हम अगर फोल्ड करते हैं तो उसमें इस तरह से स्टूडेंट्स जो ये प्लीट्स फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्लीटेड शीट मॉडल इसको कहते हैं। तो प्लीटेड शीट मॉडल में क्या होता है कि जो आपके इसमें जो फोल्ड्स होते हैं तो इसमें जो आपका सी ओ और एन एच ग्रुप है, जब फोल्ड होते हैं तो सी ओ और एन एच ग्रुप जो है वो आपस में, जैसे ये एन एच है और सी ओ है, देखो जब फोल्ड हुआ तो आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रुप्स भी इसमें क्लोज आते हैं और इससे क्या होता है, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो ये आपका सेकेंडरी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम प्लीटेड शीट मॉडल बोलते हैं, राइट। सो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कैरेटीन है या जैसे फिब्रोइन है, इसको हम सिल्क फाइबर कहते हैं। तो जो कैरेटीन जो है और या कॉलेजन जो मसल्स में होता है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, जो मैंने आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिल्क फाइबर्स होते हैं उसमें फाइब्रोइन होती है, फाइब्रोइन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो वो जो है वो बीटा प्लीटेड शीट मॉडल इस तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर और फोल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो लॉन्ग प्रोटीन जो चेन्स हैं दे आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होना शुरू हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन और क्वाइल होना शुरू हो जाती है, ग्रुप्स जो हैं वो और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। सो इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें और भी बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे दो आपके पास चेन्स हैं कई बार उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होगा, डिफरेंट टाइप के वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी होती है। मींस सेकेंडरी जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स बहुत ज़्यादा कॉइल होते हैं तो इतनी कंडेंस हो जाते हैं वो कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो एक्वायर करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से नेक्स्ट जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो एक्वायर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ जो टर्शरी, एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोटीन्स। इसका क्या मतलब है, इससे प्रोटीन को ना एक 3D व्यू मिल गया। सो इसका क्या मतलब होता है कि जो टेरिशरी स्ट्रक्चर है वो डिटरमिन करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स अपना जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्टिव प्रोटीन्स हैं, सो वो जब अपना टर्शरी स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं तो उस समय प्रोटीन्स जो होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। सो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो आपका डिटरमिन करेगा द बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, या बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन जो है दैट इज डिटरमिंड बाय टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। सो अगर हम इसको हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, वो अपनी एक्टिविटी खो देते हैं, क्योंकि जब इतना वो क्लोज होंगे, जो इतने बॉन्ड्स, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बने हैं उसमें, वो बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने से प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो उनकी खत्म हो जाएगी, राइट। इसका एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। सो आप देख सकते हो कि जब टर्शरी बनेगा तो किस तरह से 3D व्यू आएगा प्रोटीन का। नेक्स्ट है बच्चे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में कुछ प्रोटीन्स जो हैं, सम प्रोटीन्स आर इन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। सो क्वार्टनरी में क्या होता है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स ऊपर आपको हीमोग्लोबिन दिखाया गया है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसमें चार सब यूनिट्स हैं, दो बीटा सब यूनिट हैं ऊपर वाले और नीचे वाले जो हैं दो अल्फा सब यूनिट्स हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो चार सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, टू अल्फा एंड टू बीटा सब यूनिट्स। सो इसको जो है ये टेट्राहेड्रल या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं उनका प्राइमरी फर्दर कॉइलिंग होगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एक्वायर करेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो और फोल्ड हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसमें सी ओ और एन एच ग्रुप और एक दूसरे के पास आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो टर्शरी हो जाएगा। और टर्शरी के बारे में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि ये डिटरमिन करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। और उसके बाद टर्शरी जो है वो और कॉइल हो गया तो क्वार्टनरी, टर्शरी के बाद जो क्वार्टनरी बनेगा उसमें डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं, उसमें मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे जो कि डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि टू अल्फा टू बीटा चेन्स हैं। सो दिस इज द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर।
सो दिस आई हैव एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स, नाउ इट बिकम्स क्लियर टू यू. सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमारा अमाइनो एंड है, यहाँ पे कार्बोक्सिल एंड है, लेफ्ट साइड है, इसको हमने एंड टर्मिनल बोला था, ये एंड टर्मिनल है, और ये जो है वो हमारा सी टर्मिनल है. इधर वाला सी टर्मिनल है और इधर वाला एंड टर्मिनल है. फिर उसके बाद ये आपको एक्सिस के अराउंड जो है ये आपको कॉइल नजर आ रहे हैं, ठीक है, कैसे स्पाइरली कॉइल्ड है अराउंड द एक्सिस, इसको राइट हैंडेड कहते हैं, अल्फा एलिक्स वाला. और तीसरा हमने देखा कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसमें जो है वो फोल्ड्स बन रहे हैं, प्लीट्स बन रहे हैं, सो सी और एनएच ग्रुप जो है दे बिकम मोर क्लोज टू ईच अदर एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोबॉन्ड. जैसे मैंने आपको सिल्क फाइबर्स में बताया था, तो ये वाला जो है इसको हम बीटा प्लीटेड शीट मॉडल बोलते हैं, राइट. एंड देन दिस इज टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स. सो वन मोर पिक्चर. सो यहाँ पे अमाइनो एसिड एक लीनियर चेन में अरेंज है, तो कॉयल होगा, सेकेंडरी हो गया, देन ये 3D स्ट्रक्चर बन गया, और लास्ट जो है जब डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अल्फा बीटा यूनिट्स हैं, सो ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बन गया. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी. प्रोटीन्स जो होते हैं उनको हमने क्लासीफाई करा इंटू डिफरेंट टाइप्स. लेट अस स्टडी कौन से वो डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट जो है वो है सिंपल प्रोटीन्स. सबसे पहले सिंपल प्रोटीन है. देन वी हैव दे आर कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स. देन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स जो होते हैं जो अमाइनो एसिड के साथ वहाँ पे नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है, ठीक है. सो कॉन्जुगेटेड जो होते हैं इनको हम हेट्रोप्रोटीन्स भी कहते हैं. इसमें प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड, सो दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. सो दैट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन्स, राइट. एंड थर्ड कैटेगरी जो होती है वो डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं. डिराइव्ड प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीनेचर्ड से या डीग्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ द अबव टू टाइप. ओके, सो जो हमारा हमने फर्स्ट सिंपल टाइप का प्रोटीन्स देखा, जो कि जिसमें सिर्फ एक टाइप का अमाइनो एसिड्स हैं, इनको हमने फर्दर क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट कहते हैं इनको ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, और दूसरे टाइप के जो होते हैं एक सिंपल जो ग्लोबुलर है या फाइब्रस प्रोटीन्स होंगे. सो जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो क्या हैं, स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल हैं एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स हैं, ठीक है. सो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं कंप्लीटली फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड होकर एक स्फेरिकल या ग्लोबुलर शेप बनाते हैं. सो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, राइट. सो इसमें जो अगर हम नेचर ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया था टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन मेंटेन करता है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड मैंने बताया था, ताकि वो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन कर सके, राइट. सो इसका एग्जाम्पल है ग्लोबुलिन विच इज सॉल्युबल इन न्यूट्रल एंड सॉल्ट सोल्यूशन. एग्जाम्पल है सीरिन एंड ग्लोबुलिन, और एल्ब्यूमिन भी इसका एग्जाम्पल है, जो कि एक तरह की ग्लोबुलर प्रोटीन है, सॉल्यूबल है वाटर के अंदर एंड डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन एंड इट कोएगुलेटेड बाय हीट. हीट करेंगे तो कोएगुलेट जो है वो प्रोटीन्स कर जाते हैं. एग्जाम्पल सीरिन एल्ब्यूमिन है, ओवा एल्ब्यूमिन है. सो ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है. सेकेंड टाइप के जो सिंपल प्रोटीन्स हैं इनको हम फाइब्रस प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है. इसमें फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं इसमें ये फाइबर लाइक शेप के होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल हैं एंड रिजिस्ट करते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, राइट. सो इसमें क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं अलोंग वन एक्सिस एंड दे आर स्पाइरली वाउंड टू फॉर्म द फाइबर्स. ये भी इनसॉल्युबल हैं वाटर में, बट दे आर सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड एल्कलीज में ये सॉल्युबल होते हैं, राइट. सो इसमें जैसे कॉलेजन है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स हैं, इसमें ट्रिप्टोफैन नहीं होता. ऑन हीटिंग विद बॉइलिंग वाटर और एसिड इट टर्न्स इनटू सॉल्युबल जेलेटिन. ऐसे इलास्टिन इसका एग्जांपल है फाइब्रस प्रोटीन्स का, जैसे जो हमारे टेंडन्स हैं, इलास्टिक टिश्यू टेंडन्स आर्टरीज में होता है, उसके बाद आर्टरीज और टेंडन्स में इलास्टिन है, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन. देन कैरेटिन, कैरेटिन जो है वो एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, जैसे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, हॉर्न्स हैं. सो ये क्या है, सिंपल टाइप के प्रोटीन्स हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन्स, राइट स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट आ गया केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी. जो सेकेंड टाइप के आपको मैंने प्रोटीन्स बताए, दैट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, और इनको हम हेटरो प्रोटीन्स भी कहते हैं. और मैंने बताया कि इसमें जो हमारा प्रोटीन है या जो अमाइनो एसिड है, इट इज़ एसोसिएटेड विद नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड. इसमें साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड रहता है, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप,
ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसमें। तो इसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं हमने लिए हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स। सो न्यूक्लियोप्रोटीन्स में क्या है, जो आपका न्यूक्लिक एसिड या डीएनए और आरएनए, तो इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, जैसे आपका वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं जो डीएनए आरएनए का पार्ट है, जैसे डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स इन क्रोमोसोम्स ऑफ न्यूक्लियर, या राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होते हैं उनसे हमारा राइबोसोम्स बनता है। सो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, विच इज़ लेस देन 4%, एंड व्हेन इट एक्सीड्स 4% इट इज़ कॉल्ड म्यूकोप्रोटीन्स, ठीक है, म्यूसिन सलाइवा। देन लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स जो है इसमें कॉन्जुगेशन होती है लिपिड्स के साथ, सो सीरम है सीरम लिपोप्रोटीन या मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन। सो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं जिसमें प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड, ठीक है। और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं इनको हम हेटरोप्रोटीन्स भी बोलते हैं, राइट। सो इसमें हमने डिफरेंट टाइप की देखा है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है या न्यूक्लियोप्रोटीन है या लिपोप्रोटीन्स हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ओके, नाउ लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले जो है फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, ठीक है। ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर का क्या मतलब है, जो प्रोटीन्स जो हैं जैसे स्पेशली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर करते हैं ऑफ द बॉडी टिश्यूज, और इनको जो है हम बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। सो इसमें जैसे आपके आप जैसे पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो इंसुलिन होता है वो हमारी बॉडी में हमारे जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स में हम उसको लेके आ जाते हैं। सो पर्टिकुलरली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो हमारे ग्रोथ और टिश्यूज रिपेयर में हेल्प करते हैं, तो उसमें जैसे कैरेटीन है, उसको हेयर और नेल्स के अंदर है। देन ऑसिन होती है जो बोन्स में होती है, राइट। इसी तरह से कॉन्ड्रीन होती है जो कि कार्टिलेज में है। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं ये एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कि अभी मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स भी, प्रोटीन्स आर ऑल्सो एक्टिंग एज एंजाइम, ठीक है। सो वो मैंने अभी आपको पहले बताया कि जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइमेटिक रोल प्ले कर रहे हैं, या जैसे इसमें दे आर ऑल्सो हेल्पिंग एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस हैं जैसे कॉलेजन। देन प्रोटीन्स जो हैं दे एक्ट एज एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं, वो एंटीबॉडीज का काम कर रहे हैं, हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे ग्लोबुलिन्स हैं लिम्फोसाइट्स के। देन दे एक्ट एज रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल, टेस्ट, हॉर्मोन्स, ठीक है। सम हॉर्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन है। सो इंसुलिन क्या है, ये हमारे हॉर्मोनल प्रोटीन्स हैं। सो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं द शुगर लेवल्स इन द ब्लड, राइट। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन, मैंने आपको बताया कि जो डाइजेशन में हेल्प करता है। देन डिफरेंट जैसे पिगमेंट्स हैं, जैसे हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। उसके बाद प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे जो कॉन्टेक्टाइल मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द लोकोमोशन, जैसे मायोसिन और एक्टिन जो है वो मसल फाइबर्स में होती है। सो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। Thank you very much for studying today's chapter, that is today's topic, that is proteins. तो आज हमने देखा, हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के, ठीक है। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के साथ जुड़ जाते हैं, एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत इंटरेस्टिंग हमने प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर किए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसमें मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड पे एन टर्मिनल होता है, राइट साइड जो होती है उस पर सी टर्मिनल होता है, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है जब वो ट्विस्ट हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर एक्वायर करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्वायर करता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फर्दर फोल्ड होता है तो टर्शरी स्ट्रक्चर एक्वायर करता है। और मैंने आपको बताया कि जब टर्शरी स्ट्रक्चर आता है तो जो ग्रुप्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे के क्लोज
हो जाते हैं। और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हमने देखा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं, आयनिक बॉन्ड्स बन रहे हैं, उसके अंदर वैंडरवॉल वीक फोर्सेस हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, सो प्रोटीन्स तभी बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं जब वो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो एक्वायर करते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी में हार्मोनल प्रोटीन्स हैं, देन प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज एंटीबॉडीज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी। इसी तरह से हमारी विजुअल प्रोटीन्स भी होती हैं जो विजन में हेल्प करती हैं, जो हमारा रेटिना होता है उसके अंदर स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो हमारी विजन जो है वो उसमें हेल्प करते हैं। इसी तरह से टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे स्नेक का विनोम वगैरह होता है, तो उसमें टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि डिफेंस में हेल्प करते हैं एज वेल एज ऑफेंस में हेल्प करते हैं। देन प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोरेज का भी काम करते हैं एज ए रिजर्व फूड। ठीक है, एज ए रिजर्व फूड, जैसे मिल्क के अंदर हम देखते हैं प्रोटीन्स हैं, या वीट के अंदर होती है, मेज के अंदर होते हैं, तो स्टोरेज का भी काम करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।